मेरा प्यारा बेटा, तुझको क्या चाहिए? पैसा चाहिए तो डैडी है ना, डैडी से मांग, जितना चाहिए उतना देगा बेटा, काय को नहीं देगा? तू मेरा कितना अच्छा प्यारा बेटा है, हमको कितना नाज है तुम पर। तुम एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार फेल हुआ, और एक बार तो सभी सब्जेक्ट में ग्रेट। अब तुम अपना डैडी का गैरेज में कैसे काम करेगा? ए इमरान, आई पटेल कौन छे? चाइनाटाउन क्लब का मैनेजर, उसे एक अच्छे बैंक की तलाश थी जो आज ही पूरी हो गई। यस, लिसन लिसन एवरीबॉडी, देखो ये पहली बार हमें प्रोफेशनल होने का मौका मिल रहा है, इसे हमें आज से नहीं जाने देना। बहुत खुश नजर आ रहे हो यार। खुशी की तो बात है यार, आज आना वापस आ रही है। वो तो है, लेकिन तुम्हें स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है क्रिस। क्यों? मैं उसके भाई अल्बर्ट से मिला था सुबह, वो जा रहा है उसे रिसीव करने यार। वो तो जाएगा यार, लेकिन मैं तो जाऊंगा। इसी घड़ी का तो मुझे कब से इंतजार है। ये लो। थैंक यू। कितने लंबे अरसे के बाद देख रहा हूँ तुम्हें। तुम तो पहले से ज्यादा खूबसूरत और प्यारी हो गई हो। मोस्ट स्मैशिंग देन एवर। लेकिन सुनील, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें डैडी के काम से कहीं और जाना था। हाँ जाना था ना यार, लेकिन क्या हुआ कि डैडी ने एक पार्सल छोड़ने के लिए मुझे रेलवे स्टेशन भेज दिया। और लकली मेरी मुलाकात वहां से हो गई यार। इस बार तो कितनी उम्मीद थी आना, आखिरी सीढ़ी तक पहुंच चुके थे हम लोग, लेकिन बस पता नहीं ये ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है। कोई बात नहीं क्रिस, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, दिल छोटा ना करो। पता नहीं आना, ये सब हमारे साथ ही क्यों होता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने तो हार मान ली। ओफो, हद होती है यार, इतनी बार तो बता चुका हूं मैं तुम्हें, सुनील वो लड़की है आना। क्या हुआ? कुछ नहीं यार, तू आना से प्यार करता है यार, इतनी सारी लड़कियों में से तुझे एक ही मिली। एक्चुअली क्रिस ने मुझे एक मैसेज देने के लिए तुम्हारे पास भेजा है। मैसेज? हाँ, उसने कहा है कि उसे ऑफिस में एक जरूरी काम आ गया है जिसकी वजह से उसे बहुत देरी हो जाएगी और वो 6 की बजाय 7 बजे पहुंचेगा। ओह, ओके, थैंक्स फॉर द मैसेज, बाय। तुम यहाँ कैसे? वो क्रिस ने मुझे जबरदस्ती भेज दिया कि मैं तुम्हें कार्निवल बॉल ले चलूं। लेकिन उसे क्या हुआ, वो खुद क्यों नहीं आया? वो अपने डैडी के एक जरूरी काम में इतनी बुरी तरह फंस गया कि निकल नहीं सका बेचारा। तुम्हें पता है मैं तुम्हारा इंतजार यहाँ 6 बजे से कर रहा हूँ। 6 बजे से? हाँ, लेकिन सुनील ने तो मुझे 7 बजे का कहा था। यही तो मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ, देखो हमने 6 बजे का टाइम फिक्स किया था और सुनील ने तुमसे मिलकर 6 का 7 कर दिया। इसका कसूर है सब। मैं लेकिन क्यों? इसे पूछो ना, जानबूझकर किया है इसने। मैं आना से बहुत प्यार करता हूँ फादर, मैं जितना भी कोशिश करता हूँ उसके करीब जाने की ना, वो मुझसे उतना ही दूर जा रही है। और अब तो मुझसे इतना नाराज हो गई है कि मैं समझ में नहीं आता उसे कैसे मनाऊं, क्या करूं कि मुझे माफ कर दे फादर। हे इमरान, क्रिस, अरे यार मेरा गाना सुन तो लो यार। क्या करेंगे सुन के सुनील, जब हमें चाहिए ही नहीं तो। आना, इसमें कोई चाल नहीं है, बिलीव मी। देखो यार, तुम लोग मुझको बैठने मत लो, मगर मेरा गाना तो ले लो ना। अरे क्यों पीछे पड़े हो यार, कह दिया ना नहीं सुनना ये गाना। आई एम वेरी सॉरी दोस्तों, मुझे पता है कि बैंड से निकाले जाने के बाद मुझे यहाँ आना नहीं चाहिए था और स्टेज पे तो कदम तक नहीं रखना चाहिए था, लेकिन मैं अपने आप को रोक ही नहीं सका। आई एम वेरी सॉरी। हाँ देखो सुनील, क्रिस और एना एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्रिस ने हमें कल घर भी बुलाया है ताकि हम उसके मम्मी डैडी से इस रिश्ते के बारे में बात कर सकें। कुछ ही दिनों में उनकी शादी होने वाली है, तुम एना का ख्याल छोड़ ही दो, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। डोंट वरी माय फ्रेंड, हम आ गया, तुम्हारा एंथनी। अरे अपन सब फिट कर देगा रे, वो साला यस दी अपन को सब बताया, और तू मेरा दोस्त है रे। देयर इज अ गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल, आपको जानकर खुशी होगी कि अभी-अभी हमने अपने बेटे क्रिस की शादी मिस्टर एंड मिसेस डिगोने की बेटी शेरन के साथ तय की है। एक मिनट, एक रास्ता है। कोई रास्ता नहीं है पैट्स, ये मजाक नहीं है, मैं फेल हुआ यार, फेल। सुनील, कौन बोलता है कि तुम फेल हुआ है? ये बोलता है ये अखबार। कोई बात नहीं बेटा, एक बार फिर कोशिश करना, देखना भगवान ने चाहा ना तो अगली बार जरूर पास हो जाएगा। हाँ प्रभा, अरे इस बार ही फर्स्ट क्लास में। क्या? हाँ, फर्स्ट क्लास। विनायक, हम सुनील को इतना दिन से जानता है, हम जानते हैं उसके अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसको पास या फेल का ठप्पा से मत जज करो विनायक। आना बेटा, हमको मालूम है तुम क्रिस को बहुत प्यार करता था, अभी भी प्यार करता है, लेकिन बेटा
जिंदगी में आदमी जो कुछ चाहता है, जो कुछ सोचता है, वो सब कुछ उसको नहीं मिलता है। और सुनील कितना अच्छा लड़का है, वो तुम्हें इतना प्यार भी करता है ना? हाँ बेटा, वो तुमको बहुत खुश रखेगा। अरे बेटे, तुम्हें कोई लड़की पसंद है? लड़की? यू मीन अ गर्ल मम्मी? नहीं नहीं, मैं तो लड़कियों के बारे में सोचता ही नहीं कभी, नेवर। अच्छा, वैसे आना के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? अच्छा, आना, आना, वो हमारी आना? तो और कौन सी आना? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं क्रिस, कि इन सब बातों से कोई फायदा नहीं। सुनील के और मेरे मम्मी डैडी के बीच में बात हो चुकी है, शादी की तारीख तय हो चुकी है, मैंने हाँ कर दी है क्रिस। मैं सुनील का दिल किसी भी हालत में नहीं तोड़ सकती, वो मुझे बहुत प्यार करता है, बेहद प्यार करता है। तो क्या तुम्हारी जिंदगी में मेरे प्यार का कोई माने नहीं है, कुछ भी नहीं है? अब बहुत देर हो चुकी क्रिस, मैं सुनील से शादी कर रही हूँ। मैं आ गया फादर। सुनील। हाय। हेलो। हाय आना, हाय क्रिस, कितने अच्छे लग रहे हो तुम दोनों। सॉरी फादर, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। थोड़ा देर? तुम एक सेकंड और नहीं आता, मैं शादी कर देता। अरे कैसे कर देते, सुनील के बिना क्रिस और आना की शादी कैसे हो सकती है? नहीं। एक्सक्यूज मी, आप ये एड्रेस बता सकते हैं? प्लीज, ये होली स्पिरिट चर्च को है। आप यहाँ से सीधा जाइए, फिर लेफ्ट, फिर राइट, चर्च से फिर लेफ्ट। चर्च से पहले लेफ्ट या चर्च के बाद में लेफ्ट? चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, वैसे भी मैं वहीं जा रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आइए। थैंक यू।